In this video, we are doing another important topic for UGC NET English Literature. And this topic is novel Kuli by Mulk Raj Anand. Kuli naam ka jo novel hai, wo Mulk Raj Anand ka likha gaya ek novel hai, jo ki 1936 mein publish hua tha. Ye unka second novel tha, aur is novel ne Mulk Raj Anand ko leading English authors, aise leading English authors jo ki Indian the, ki category mein फर्स्ट रैंक पर ला दिया. उनका फर्स्ट नॉवल था अनटचेबल्स, जो कि 1935 में पब्लिश हुआ था. मुल्क राज आनंद का जो नॉवल था कुली, ये जो नॉवल था ये ब्रिटिश रूल इन इंडिया को क्रिटिकली एग्जामिन करता है. मतलब बताता है कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश रूल था वो कितना ज़्यादा डेंजरस था और उसके क्या इम्पैक्ट थे सोसाइटी के ऊपर. किस तरह से लोग अपनी जो संस्कृति थी उसको अपने माइंड से निकाल कर ब्रिटिश संस्कृति को अपनाना चाहते थे, उनके एक्सप्रेशन उनके तौर तरीकों को अपनाना चाहते थे, और ऐसा करते हुए वो किस तरह से अपने ही लोगों को, मतलब इंडियंस को ही इंडियन होते हुए हर्ट भी करते थे, ठीक है. एंड इंडियाज़ कास्ट सिस्टम, और साथ ही साथ इस नॉवल में राइटर ने इंडिया के कास्ट सिस्टम को भी एक्सप्लेन किया है. जो नॉवल का मुख्य करेक्टर है वो है मुन्नू. मुन्नू नाम का ये जो करेक्टर है ये सिर्फ 14 ईयर का एक चाइल्ड है, मतलब 14 साल का एक लड़का है ये, और इसी के चारों ओर इस नॉवल की कहानी घूमती है और इंडियन समाज को डिपिक्ट करती है. ये जो 14 साल का लड़का है ये बहुत ही दुर्दशा में है, इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है. किस वजह से? क्योंकि पहली बात तो ये एक ऑर्फेन चाइल्ड है, एक अनाथ बच्चा है जो अपने चाचा चाची के साथ रहता है, और ये जो चाचा चाची हैं ये भी बहुत रिच नहीं है और बहुत ही ज़्यादा परोपकारी भी नहीं है मुन्नू के लिए. ये इसका स्कूल छुड़वा देते हैं कुछ इनकम के लिए, इसको शहर भेज देते हैं कि ये वहाँ पर कहीं काम करेगा और उनको कुछ इनकम मिलेगी, ठीक है. अब ये जो मुन्नू है इसकी पहली दुर्दशा तो हमने देख ली कि ऑर्फन होने की वजह से है, और आगे लाइफ के अंदर जो इसकी और दुर्दशा होती है वो पॉवर्टी की वजह से और इसके एक्सप्लॉयटेशन की वजह से होती है, कि किस तरह से इसका सामाजिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर एक्सप्लॉयटेशन होता है. तो चलिए रीड करते हैं नॉवल की स्टोरी को. ये जो नॉवल है ये मुल्क राज आनंद ने लिखा है, और मुल्क राज आनंद एक हम कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर्स थे. मुल्क राज आनंद, आर के नारायण और राजा राव, ये तीन जो राइटर्स थे ये फेमस इंडियन राइटर्स थे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, और ये इंडियन हिस्ट्री के अंदर इंग्लिश राइटिंग के लिए, इंग्लिश नॉवल्स लिखने के लिए ट्रायो या ट्रिनिटी के नाम से जाने जाते. अब कहानी के, नॉवल की जो कहानी है उसको स्टार्ट करते हैं. मुल्क राज आनंद का ये नॉवल मुन्नू की कहानी है, और मुन्नू एक 14 साल का लड़का है जो कि बिलासपुर में कांगड़ा हिल्स का रहने वाला है. वो एक अनाथ बच्चा है जो अपने आंट और अंकल के साथ रहता है. नॉवल के शुरुआत में क्लियर कर दिया जाता है कि जो मुन्नू के आंट और अंकल हैं वो उसे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और बल्कि वो चाहते हैं कि मुन्नू को कोई जॉब मिल जाए. और ये जो जॉब मिलने की यात्रा है यही मुन्नू की एक ऐसी यात्रा है जो उसको इंडिया के डिस्टेंट प्लेसेस पर ले जाती है. मुन्नू नॉवल में बॉम्बे से भी दूर चला जाता है, लेकिन ये अपने गाँव से निकलकर, कांगड़ा हिल से निकलकर बॉम्बे तक की यात्रा तो जरूर कर लेता है, लेकिन इसका जो चाइल्डहुड है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है. अपने अंकल के साथ मुन्नू पास के एक कस्बे में जाता है, जहाँ पर एक बैंक क्लर्क जिसका नाम है बाबू नाथुराम के घर पर इसको एक जॉब मिल जाती है. यहाँ मुन्नू को इस बाबू नाथुराम की जो वाइफ है वो बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करती है, लेकिन नॉवलिस्ट यहाँ जो बाबू नाथुराम है उसके छोटे भाई की तारीफ़ करता है. छोटे भाई का नाम है प्रेमचंद, जो कि एक डॉक्टर है. बाबू नाथुराम भी खुद एक कॉमेडी सा करेक्टर दिखाया गया है, एक हास्यप्रद सा कार्टून सा दिखाया गया है, और वो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है जो इंग्लिश लोगों की नकल करना पसंद करता है और अपनी जो इंडियन सोसाइटी है उसको वो कुछ छोटा समझता है ब्रिटिशर्स के सामने. अब जो एक बाबू नाथुराम है इसके घर पर एक मेहमान आता है, उसका नाम है मिस्टर इंग्लिश, और उसका जो नाम है वो मिस्टर इंग्लिश बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि वो उसके जो तौर तरीके हैं वो बिल्कुल इंग्लिश के लोगों की तरह से हैं. और जब ये मिस्टर इंग्लिश नाम का कैरेक्टर बाबू नाथुराम के घर पर एज अ गेस्ट आता है, तो मुन्नू जो कि उनके घर पे एक सर्वेंट बन चुका है वो सामान लेकर आता है खाने पीने का, और उसके हाथ से क्रॉकरी टूट जाती है, जिस बात पर उसे काफ़ी ह्यूमिलेट किया जाता है, पीटा भी जाता है. यहाँ पर मुन्नू की प्लाइट को देखा जा सकता है कि कितनी ज़्यादा और बुरी हो गई है, उसकी कंडीशन पहले ही बहुत बुरी थी, लेकिन मुल्क राज आनंद ने उसकी कंडीशन को यहाँ शो करने के साथ साथ ये भी शो किया है कि किस तरह से जो बाबू नाथुराम है वो इंग्लिश लोगों को सुपीरियर समझता है, और लेकिन यहाँ मुल्क राज आनंद ने दिखाया है कि जो इंग्लिश लोग थे वो इतने सुपीरियर भी नहीं थे. वैन प्रेमचंद इंक्वायर्स अबाउट द बेस्ट प्लेस, जब प्रेमचंद ने जो कि एक डॉक्टर हैं इस मिस्टर इंग्लिश से पूछा कि ब्रिटेन के अंदर कौन सी एक सबसे अच्छी जगह है जहाँ वो अपनी मेडिकल ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कर सकता है, तो उसे पता चलता है कि ये मिस्टर इंग्लिश इतने पढ़े लिखे नहीं है और उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है. तो मतलब क्या है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इतने सुपीरियर नहीं हैं जितना कि उनको इंडियंस मानते थे, ठीक है. यहाँ पर जो राइटर है उसने बताया है कि जो इंग्लिश लोग हैं उनकी सुपीरियरिटी सिर्फ एक दिखावा थी. अब इसके बाद मुन्नू जो है वो बाबू नाथुराम की बेटी शीला के साथ खेल रहा है, जो कि एक छोटी लड़की है, लेकिन वो शीला को एक्सीडेंटली इंजर कर देता है. दैट मीन्स खेलते खेलते वो उसको बाइट कर लेता है, और वो बहुत जोर से शीला को बाइट कर लेता है, क्योंकि दोनों ही बच्चे हैं. लेकिन इस पर मुन्नू को बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है, उस पर कोई रहम नहीं किया जाता. इस पर मुन्नू डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है. जब वो वहाँ से भागता है तो भागकर दौलतपुर चला जाता है, और यहाँ उसकी ज़िंदगी का एक और नया फेज स्टार्ट होता है. यहाँ दौलतपुर में उसे प्रभा नाम का, प्रभदयाल नाम का एक व्यक्ति मिलता है जो थोड़ा सा
हम कहेंगे कि दयालु है उसके लिए। ये प्रभदयाल नाम का व्यक्ति एक पिकल फैक्ट्री चलाता है, अचार बनाने का कारखाना चलाता है। प्रभदयाल और उसकी वाइफ मुन्नू के लिए अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों की लाइफ बहुत हार्ड है क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं। पूरे नॉवल में दिखाया जाता है कि किस तरह से जो लोअर क्लासेस हैं समाज की, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उनके ऊपर वालों के द्वारा। अब जो मुन्नू है वो इस एक्सप्लॉयटेशन का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि जो मुन्नू है हर जगह पर जाता है, हर तरह के एक्सप्लॉयटेशन को देखता है और सहन करता है। यहाँ पर जब वो प्रभदयाल के साथ रह रहा है तो वो देखता है कि किस तरह से प्रभदयाल अपने एक पड़ोसी को खुश करने में लगा रहता है। और ये जो पड़ोसी है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर टोडरमल है। ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर टोडरमल है इसको वो खुश करने में लगा रहता है, क्यों? ताकि ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर टोडरमल है ये प्रभदयाल के अचार का एक गलत रिव्यू देकर उसकी फैक्ट्री बंद ना करा दे, और इसे खुश करने के लिए वो फ्री में उसको अचार और जैम देता रहता है ताकि उसकी फैक्ट्री बंद होने से बच जाए। क्योंकि ये जो टोडरमल है इसको फैक्ट्री का जो स्मोक है उससे चिढ़ होती है, और ये चाहता है कि वो प्रभदयाल की फैक्ट्री बंद करा दे, लेकिन उसे चुप रखने के लिए, खुश रखने के लिए उसे फ्री में अचार और मुरब्बे दिए जाते हैं और उससे उसकी फैक्ट्री चलती रहती है। लेकिन इस तरह से तो प्रभदयाल उसको तो खुश कर लेता है, लेकिन प्रभदयाल का जो बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है गणपत, वो उसको धोखा देता है और उसकी वजह से वो दिवालिया हो जाता है और फाइनली जो उसकी फैक्ट्री है वो बंद हो जाती है। प्रभदयाल की फैक्ट्री बंद होने के बाद मुन्नू फिर से अपना पेट भरने के लिए अकेला हो जाता है और भटकने लगता है। अब ये बेचारा बॉम्बे पहुंच जाता है और वहां पर एक एलिफेंट ड्राइवर से मिलता है, मतलब जो हाथी चलाने वाला होता है सर्कस में उससे मिलता है, उससे मिलता है। तो ये जो हाथी वाला है ये इसकी काफ़ी मदद करता है, इसको खाना पीना देता है। अब मुन्नू बहुत खुश हो जाता है, उसको लगता है कि बॉम्बे बहुत अच्छी सिटी है और यहाँ वो अपना गुजारा आराम से चला सकता है। यहाँ पर वो एज अ कूली वर्क करता है, लेकिन ये देखता है कि यहाँ पर भी कूली की जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है। कूलियों को गलियों में सोना पड़ता है और जैसे ही जो लोग आते हैं उनका सामान उठाने के लिए वो धक्का मुक्की करते हैं, सोने के लिए रात को उनको प्लेस भी नहीं मिलता, ऐसे पड़े रहते हैं बहुत ही बुरी कंडीशन में। ठीक है, अब इनको बहुत ही लो वेजेस पर बहुत भारी भारी सामान उठाना पड़ता है, जिसके लिए इन्हें बहुत मतलब जॉस्लिंग, बहुत धक्का मुक्की भी करनी पड़ती है सामान को गेट करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद ये जो मुन्नू है ये सर जॉर्ज वाइट्स कॉटन मिल के अंदर इसको काम मिल जाता है, और इस सर जॉर्ज वाइट्स कॉटन मिल में भी ये एक और तरह के एक्सप्लॉयटेशन को देखता है। यहाँ पर वो कुछ नए करेक्टर्स से मिलता है जैसे कि रतन और हरी। ठीक है, इस तरह के रतन, हरी, हरी की जो वाइफ है लक्ष्मी, इन ऐसे बहुत सारे करेक्टर्स से यहाँ पर मिलता है और देखता है कि ये लोग बहुत पुअर है और इनके जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनके द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। इनसे ज़्यादा आवर्स काम करवाया जाता है और लो वेजेस पर काम कराया जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये मुन्नू यहाँ पर रियलाइज करता है। ये सोचता है कि लाइफ में हर जगह पर एक्सप्लॉयटेशन है, चाहे कोई भी वर्क है। ठीक है, लेकिन इस एक्सप्लॉयटेशन के बीच में ये जो रतन नाम का करेक्टर है ये इस एक्सप्लॉयटेशन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और ये रीबेल की तरह से काम करता है। रतन जो है वो एक रेसलर है और ये वर्कर यूनियन का एक मेंबर है। ये एक ऐसा आदमी है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहता है, अपने मास्टर के खिलाफ खड़ा होना चाहता है और उन एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस को रिजेक्ट कर देता है जिनमें कि ये सारे लेबर्स और ये रतन काम कर रहा है। ये सब देखकर मुन्नू को कुछ उम्मीद होती है कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर रायोट्स स्टार्ट हो जाते हैं, दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके ओनर्स के द्वारा एक अफवाह फैला दी जाती है कि बाहर किसी सिटी के अंदर जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने एक हिंदू को किडनैप कर लिया, हिंदू बच्चे को, और ये सिर्फ एक अफवाह थी जो बिल्कुल झूठी थी। लेकिन यहाँ पर सांप्रदायिक दंगों को फैला दिया जाता है ताकि जो फैक्ट्री के वर्कर यूनियन थी उसका ध्यान भटकाया जा सके दूसरी तरफ। तो इस तरह से जो मैटर था वो चेंज हो जाता है और वहाँ पर जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत बुरी तरह से वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कि मुन्नू बिल्कुल मरते मरते बचता है और किसी तरह से वो बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ से भागता है जब मुन्नू तो एक नई जगह पहुँच जाता है। वो कैसे नई जगह पहुँचता है, जैसे कि वो वहाँ से भाग कर निकल जाता है और गलियों में भटक रहा है, तभी एक इंग्लिश वूमेन है जिसका नाम है मिसेस मैनवेरिंग। इस मिसेस मैनवेरिंग की कार से वो टक्कर खा जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। ये मैनवेरिंग इसे उठाती है, अपनी कार में डालती है, ये भी नहीं सोचती कि ये किसी का सन है, कि इसकी फैमिली कौन है, और अपनी कार में डालती है और उसको एज अ कंपनसेशन अपने साथ शिमला ले जाती है। ठीक है, अब मिसेस मैनवेरिंग यहाँ एक इंडियन सोसाइटी की एक और तस्वीर प्रेजेंट करती है। ये जो मिसेस मैनवेरिंग है ये एक इंग्लिश वूमेन है लेकिन इंडियन है, मतलब इसकी एंसेस्ट्री इंडियन और इंग्लिश दोनों है। ठीक है, और ये चाहती है कि इसे इंग्लिश सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए और इसीलिए ये इंग्लैंड ट्रैवल करती है और वहाँ एक यंग इंग्लिश सोल्जर से शादी कर लेती है। अब वो क्या है, अब वो इंडियन और इंग्लिश दोनों बन जाती है। अब ये जो उसकी इंग्लैंड जाकर एक इंग्लिश सोल्जर से मैरिज करने की हम कहेंगे प्रोसेस है, ये हमें बताती है कि किस तरह से उसकी डिज़ायर थी कि वो इंग्लिश आइडेंटिटी पाना चाहती थी। वो चाहती थी कि लोग उसे एज एन इंग्लिश मतलब कि पहचाने। अब ये जो डिज़ायर थी ये क्यों थी,
क्योंकि इंडिया के अंदर इंग्लिश लोगों को सुपर मेसी दी जाती थी, इसीलिए जो मिसेज मेनवेरिंग थी वो भी एज एन इंग्लिश ही अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती थी। अब ये जो मिसेज मेनवेरिंग है ये मुन्नू के लिए अच्छा व्यवहार रखती है, लेकिन अच्छा व्यवहार क्या है, वो कुछ टाइम के लिए मुन्नू से अच्छा व्यवहार रखती है, बट फिर बाद में वो मुन्नू को मतलब डोमेस्टिक वर्क्स के लिए भी यूज़ करती है और एज अ रिक्शा पुलर भी उसको यूज़ करती है। पहले मिसेज मेनवेरिंग अकेले बैठकर रिक्शा में जाती है और बाद में जब उसका जो बॉयफ्रेंड है हम कहेंगे वो भी मिसेज मेनवेरिंग के साथ उस रिक्शा में बैठकर जाता है और 14 साल का बेचारा मुन्नू उस रिक्शा को जैसे तैसे खींचता है, लेकिन इसमें मुन्नू की जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है और मुन्नू को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे मुन्नू अपनी हेल्थ से डेट्रिएट करने लगता है और फाइनली मुन्नू की डेथ हो जाती है। ये जो मिसेज मेनवेरिंग है ये देखिए किस तरह से इसने मुन्नू को एक्सप्लॉइट किया, एज अ डोमेस्टिक वर्कर भी इसे यूज़ किया, एज अ रिक्शा पुलर भी यूज़ किया और यहाँ तक कि इसे सेक्सुअली भी ये एक्सप्लॉइट करती थी। तो फाइनली मुन्नू की जो डेथ है वो हो जाती है और जिस टाइम पर मुन्नू की डेथ है वो होती है वो कितने साल का है, वो 15 साल का है और इसकी लाइफ कब स्टार्ट होती है, जब वो मतलब ये जो हम नॉवल पढ़ रहे हैं इसमें मुन्नू की लाइफ 14 साल से दिखाई गई है, मतलब एक साल के अंदर अंदर मुन्नू ने इतने एक्सप्लॉयटेशन को बर्दाश्त किया, एक जगह से दूसरी जगह पर भटका, फिर भी उसकी जो लाइफ है वो सेट नहीं होती और फाइनली 15 साल की एज में वो मर जाता है। जब हम नॉवल के अंदर देखते हैं कि नॉवल का जो प्रोटैगनिस्ट है या मेन कैरेक्टर है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता जा रहा है, उसकी जो लाइफ है वो बहुत दुखों से भरी हुई है, अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए या सर्वाइव करने के लिए वो बहुत सारे प्लेसेस की यात्रा करता है, तो ऐसे नॉवल को हम एक पिकारेस्क नॉवल की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये जो नॉवल है ये एक पिकारेस्क और ट्रेजिक नॉवल की कैटेगरी में रखा जा सकता है, ठीक है।